ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जिस हेलीकॉप्टर में वे यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि ईरान की सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति रायसी के हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों में मिला है। इस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति रईसी समेत कुल 9 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे अजरबैजान के पास लापता हो गया था और रात भर से इसकी तलाश की जा रही थी। खराब मौसम के कारण सर्च ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में भारी बारिश, कोहरा और ठंड की वजह से खोजबीन में काफी मुश्किलें आ रही हैं। इस दौरान 3 बचावकर्मी भी लापता हो गए हैं। हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति रायसी और विदेश मंत्री हुसैन के अलावा पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अली हसीम, एक पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड सवार थे। दुर्घटना में हेलीकॉप्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए अगला उम्मीदवार कौन होगा। अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने मंजूरी दे दी तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर का नाम सबसे आगे है। रायसी को 2021 में 62% वोट शेयर के साथ राष्ट्रपति चुना गया था और वर्तमान समय सारणी के तहत राष्ट्रपति चुनाव 2025 में होने वाले हैं।